बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भी अपने नताशा का क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि नताशा तब तक अदील को पसंद करती थी जब तक अदील रुबाब का शोहर था, और जैसे ही अदील जो है ना रुबाब के शोहर के पोस्ट से हटेगा ना, वैसे ही नताशा ने जो है ना लात मार के अदील को फेंक देना है, क्योंकि नताशा जैसी लड़की जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे, एक जेलिसी के पीछे जो है ना इसके साथ चक्कर चलाए बैठी थी, और अदील ने जो है ना वो बिल्कुल सड़क पर आ जाना है। नताशा ने भी इसको कह देना है कि भाई मैं तो अपने शोहर के साथ रहती हूँ, मैं उसके साथ तुम्हें बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, दोस्ती एक अलग चीज़ है लेकिन एक साथ रहना एक अलग चीज़ होती है, मैं तुम्हारी जैसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, मैंने अमीराना ज़िंदगी गुजारी हुई है। अच्छा जी, दूसरी तरफ हमें देखने में मिलेगा कि यहाँ पर रुबाब ने जो है ना बहुत ज़्यादा इंसल्ट करके अपने ससुराल वालों को, यानी भी अपने सास ससुर को निकाल देना, और उनको कहना है कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ आप जैसे चीप लोगों के साथ, किस सलीके के साथ जो है ना रुबाब ने बेइज्जती कर